आज हम आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो इसलिए हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म। यस, यहाँ गुड़गांव का बेसिकली फेमस फार्म है। ये गुड़गांव में नहीं है एग्जैक्टली, ये झज्जर में है। यहाँ से हमें 1.5 घंटे का रास्ता है और बहुत ही अच्छा फार्म है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या खाने के ऑप्शन हैं, उसकी टिकट प्राइस क्या है और हम क्या क्या मस्ती करने वाले, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हमने अपना ट्रिप शुरू कर दिया है और अब हमें 1 घंटा लगेगा। अब इट्स 10:14, हो सकता है हम 11:30 तक पहुँचें और फिर देखते हैं हमें नाश्ता मिल पाता है नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग 12 बजे तक का नाश्ता है। तो हो सकता है कि मैं आपको नाश्ते में दिखाऊं कि क्या क्या आइटम्स हैं। तो होपफुली तो चलते हैं। तो गाइज, हम प्रतापगढ़ फार्म पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स आए हुए हैं। होपफुली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेट्स सी। काफ़ी रश है और टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट हम यहीं पे आके ख़रीद रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने टिकट प्राइसिंग। एंड अब हम चल रहे हैं अंदर और अंदर हमारा स्वागत किया है जोकर ने और अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। इतना रश होने के बाद भी हमें नहीं लगता कि दिक्कत आएगी, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट्स और फैमिली के लिए अलग से सिस्टम है और बच्चों के लिए अलग से इन्होंने सेपरेट किया हुआ है हर चीज़ में। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, बिकॉज 11:30 हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट 12 बजे बंद हो जाता है। मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम है। अब देख सकते हैं ये सब हैं, आलू पूड़ी, पराठा, दही एंड मक्खन, चटनी, अचार। ये गांव की थीम पे बना हुआ है तो इसलिए मक्खन वगैरह रखा हुआ है और जलेबियाँ भी हैं गरम गरम। तो मैं खा के बताऊँगी कि कैसा टेस्ट है इसका। तो गाइस, काफ़ी रश होने की वजह से टेस्ट वाइज मुझे इतना पसंद नहीं आया। ओके टेस्ट था, ऑब्वियसली थोड़ा पराठे में इतना टेस्ट नहीं था। यहाँ पे आपको चाय और पकौड़े भी लगातार मिल रहे थे तो हमने चाय पकौड़े खाए, वो भी बहुत टेस्टी लगे मुझे। चाय पकौड़े एक्चुअली ज़्यादा टेस्टी थे, गरम गरम थे। तो सुबह के टाइम आपको चाय पकौड़े हमेशा मिलते रहेंगे पूरा टाइम और नाश्ता, उसके बाद लंच टाइम से शुरू होता है चीज़ें। तो अभी हम बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं और वो दिखाते हैं कि बाकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इस फार्म में। हम भी गांव के मजे लेते हुए पगड़ी बना के देख रहे हैं कि कैसे लगते हैं हम लोगों के ऊपर। बहुत मजा आया पगड़ी पहनने में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लग रही है। तो नमस्कार कीजिए, क्या बात है, तो क्या तो तेरा डांस होगा और क्या सर मैडम तेरे विभूषण में। तो
पर बहुत ही ब्यूटीफुल वाटिका बना रखी है। यहाँ भी देख सकते हैं राम की कुटिया और यू नो बुद्ध की भी वाटिका बना रही है, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे एक और एरिया है जहाँ पर बच्चों के झूले हैं और यू नो जंपिंग जैक है, आप देख सकते हैं हम भी झूले के मजे ले रहे हैं बच्चों के साथ। आउटडोर एक्टिविटीज के साथ साथ इनके पास इंडोर एक्टिविटीज भी हैं, आप देख सकते हैं ये सब इंडोर एक्टिविटीज हैं इनके पास। खत्म होने का नाम नहीं ले रही, यहाँ पर ऊंट बुगी एंड कैमल राइड और बोट भी है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे बीच भी है तो हम थोड़ा डांस भी कर लिया जाए। It was really fun, काफी बड़ी लेक थी और अच्छी राइड मिल गई हमें। देखो पानी। ये। स्टार्ट हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ लंच टाइम 3 बजे तक रहता है, ये सब लंच में मिल रहा है, नूडल्स राइस कढ़ी दाल पनीर सब्जी रोटी। इस खाने से बोर हो गए और आप ये नहीं खाना चाहते तो इनके पास कच्ची रसोई का भी ऑप्शन है, जिसमें ये गरम गरम चूल्हे में मक्के बाजरे की रोटी साग यू नो बाजरे की खिचड़ी दूध जलेबी गरम गरम सब मिल रहा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। गाइस सब कुछ बहुत टेस्टी था और यहाँ पर गोलगप्पे भेलपुड़ी वगैरह भी अवेलेबल थी, बट उसका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया। Thank you.
था प्रतापगढ़ का टूर। एक्चुअली मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज दिखा दी हैं, बट कुछ मिस भी हो सकती हैं। तो हमें काफ़ी इंजॉय किया हमने, बस खाने में थोड़ा सा टेस्ट वाइज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था, अदरवाइज काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज लाती रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।